नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं एनएन 24 न्यूज। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अकोला के एसपी जी श्रीधर के विशेष पथक के प्रमुख विलास पाटिल और उनके दल को गुप्त महित मिली कि खामगांव की ओर से अकोला सरकारी चावल ट्रक के जरिए कालाबाजारी को लाया जा रहा है। रात लगभग 1 बजे राष्ट्रीय महामार्ग 6 पर अकोला के सेगांव फाटक के पास नाकाबंदी कर एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 400 पोते सरकारी चावल जो अवैध तरीके से अकोला ले जाए जा रहे थे। नादुरा के 2 आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लेकर 14,60,000 का माल जब्त किया गया है। आगे की जाँच डाबरी रोड पुलिस कर रही है। ट्रक मालक था और चालक था योगेश दिलीप दोईपुड़े, दोनों रहने वाले नादुरा। एक के तरफ से पुलिस को 400 पोते कट्टे चावल जो शासन का सब्सिडी का है वो मिला और उनके कीमत थी 4 लाख रुपए। 20 टन का ये चावल था और 10 लाख का ट्रक, 2 मोबाइल, ऐसा 14,60,000 रुपए का मुद्देमाल स्पेशल स्क्वाड ने रात में आरोपी की तरफ से जब्त किया और 2 आरोपी को इसमें अरेस्ट किया गया है। आगे का तपास अभी डाकती रोड अकोला पुलिस कर रही है।